दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं है, ये देश का एक सबसे बड़ा महानगर भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के एक प्रमुख केंद्र दिल्ली की गिनती दुनिया के कुछ महानगरों में होती है। लेकिन एक माने में दिल्ली शायद पहले स्थान पर है। दुनिया भर के महानगरों में अनपढ़ों की तादाद दिल्ली में सबसे ज्यादा है। 1991 में दिल्ली की आबादी 93.7 लाख थी। इनमें निरक्षरों की संख्या लगभग 35 लाख कूटी गई थी और इनमें 65% से अधिक महिलाएं थीं। निरक्षरता के सदियों पुराने अभिशाप को खत्म करने के उद्देश्य से 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। दिल्ली में 1992 में एक बार फिर प्रयास शुरू किए गए, परिणाम संतोषजनक नहीं निकले। लगभग 3 वर्ष बाद जनवरी 1995 में साक्षरता अभियान में नई जान डाली गई। अभियान की गतिविधियों को अधिक प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए दिल्ली सर्व शिक्षा अभियान समिति का गठन किया गया। साक्षरता अभियान में विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार के विभागों, विशेषतया शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अध्यापकों तथा निजी स्कूलों को जोड़ा गया। इनके साथ इस अभियान में कुछ वे स्वयंसेवी संगठन तथा समर्पित व्यक्ति भी जुड़े जो अपने अपने क्षेत्रों में सामुदायिक विकास आदि के कार्यक्रम चला रहे थे। खाना खाने के बाद बर्तनों को अपने पहले चरण अर्थात संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौर में अभियान भारी उत्साह से चला। पूरे शहर, खासतौर पर पुनर्वास कॉलोनियों, मलिन बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में इसका भारी स्वागत हुआ। एक माहौल बन गया, मुहिम तेजी से चल पड़ी। हौसले बुलंद थे, लक्ष्य स्पष्ट था, दिल्ली से निरक्षरता के अभिशाप को दूर करना है। जब से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत ये लिटरेसी कैंपेन्स चली हैं, ये सारा कुछ पब्लिक पार्टिसिपेशन से हुआ है। इसमें मोबिलाइजेशन लोगों का किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोग, सभी स्टेटस के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल हुए। और साक्षरता कार्यक्रम केवल एक शिक्षा विभाग का कार्यक्रम ना होकर सभी का प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि जब हम टोटल लिटरेसी कैंपेन्स की बात करते हैं उसमें तो सभी लोग शामिल थे, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट भी या पंचायत भी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सभी के मिले जुले प्रयासों से ये हमें मिली है, जो सफलता मिली है। तो इसलिए तो ये है कि सफलता तो है, लेकिन उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए जो 1997 तक रखा गया था। संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौर के पूरा होते होते एक अनुमान के अनुसार साक्षर लोगों की संख्या में लगभग 20% की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन इसके साथ ही अनपढ़ों की कुल संख्या 9 लाख से बढ़कर 21 लाख तक पहुंच गई। इस बीच आबादी भी बढ़ गई थी। एक अनुमान के अनुसार दूसरे प्रदेशों से हर साल लगभग 2 लाख लोग रोजी रोटी की तलाश में आकर दिल्ली में स्थायी रूप से बस जाते हैं। इनमें से विशाल बहुमत निरक्षरों का होता है। जीवन की आपाधापी में इनको पढ़ना और लिखना सीखने का वक्त ही नहीं मिलता। 1997-98 के दौरान उत्तर साक्षरता अभियान के शुरू होने तक मुहिम की रफ्तार मंद पड़ने लगी, उत्साह घटने लगा, स्कूलों के अध्यापक बचने लगे। कुछ गैर सरकारी संगठन और समर्पित लोग ही व्यक्तिगत आधार पर लगे रहे, अभियान को जैसे तैसे चलाते रहे, पर कहीं से कोई दिशा निर्देश नहीं, मार्गदर्शन नहीं, आवश्यक सुविधाएं नहीं, पठन पाठन सामग्री नहीं, संसाधन नहीं
और सबसे बढ़कर प्रेरणा नहीं। वो ठहराव इसलिए आया कि ये प्रोग्राम जो चल रहा था ये दो आदमियों के बेसिस पे ही चल रहा था, पूरी दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। रघुनाथन सर थे जो कि एजुकेशन कमीशन और निषाद फारूक SRC के जामिया के, बाकी आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा दिल्ली का इतना बड़ा है उसमें कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था कि जो हमारे सेंटर्स देखने के लिए आता था या हेल्थ डिपार्टमेंट से आता था या कोई ऐसे, यही दो आदमी थे कि जिन्होंने दिन रात अपना लगाया। क्योंकि जब वो लोग दूसरे उनकी जगह जो अधिकारी आए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में शिक्षा विभाग में, उन लोगों को हमने बार बार फ़ोन किया कि आप आके हमारे सेंटर्स का मुआयना किए, तो उन लोगों का एक ही जवाब था कि हमारे पास टाइम नहीं है, साक्षरता अभियान के लिए हमारे पास टाइम नहीं। बड़े प्रशासनिक अधिकारी कंधा डालने लगे, अभियान की उपलब्धियां उनके करियर में कुछ योगदान नहीं करती थी, युवाओं के जोश ठंडी पड़ने लगे। सबसे बड़ी जो आज तक इसमें कमी रही है वो ये रही है कि जो काम करने वाला फील्ड में खड़ा होकर पढ़ाता है, दो घंटे पढ़ाता है, उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाता है, फाइनेंशियल लिहाज से भी और सामाजिक स्टेटस के लिहाज से भी। बल्कि बड़े बड़े लोग जो हैं और जो ऊपर ऑफिसर्स हैं वही अपना इसमें अवार्ड मिलता है उनको, उनको मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, थोड़ा सा उनका नाम होता है, लेकिन जो वॉलंटियर होता है जो खड़े होकर पढ़ाता है दो घंटे, उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर जाता है। अब जिसके कंधों पर सारी बिल्डिंग खड़ी हुई है उसी को जब आप निग्लेक्ट कर देंगे, आप इंसेंटिव मत दीजिए उसे कुछ, लेकिन उसको मान सम्मान सर्टिफिकेट्स वगैरह या उसको और जो चीज़ें हैं, अगर पैसा ना हो तो कम से कम मान सम्मान तो उसका हो, तो ये कुछ नहीं होता। बल्कि जब ऐसे मौके आते हैं तो वो तो बेचारे बहुत पीछे खड़े होते हैं, कोई नहीं पूछता। बल्कि जिन्होंने कुछ नहीं किया है, मैं साफ साफ बताता हूँ, जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो बड़े आगे खड़े होते, सबसे आगे खड़े होते हैं। दिल्ली सर्व शिक्षा अभियान समिति के प्रमुख कर्ता धर्ता बदल गए। लगता था कि उनके साथ अभियान के मामले में दिल्ली सरकार की प्राथमिकताएं भी बदल गई थीं। सूचना तो ये भी है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जो धन उपलब्ध कराया था उसके लगभग 40% का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया, और अभियान की उपलब्धियों के बारे में जो प्रचारित हुआ उस पर अनेक लोगों को संदेह होने लगा। दिल्ली सरकार का सर्व शिक्षा अभियान कितना सफल रहा ये सब जानते हैं, और जहाँ तक मुझको जानकारी है वो सब आंकड़ों पर चला है। फील्ड में कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को हम साक्षर कर पाए, उन्हीं जो लोग, जो अधिकारी लोग उससे जुड़े रहे वही कहते हैं कि सब झूठे आंकड़ों पर आधारित था सर्व शिक्षा अभियान। कैसे बदल रहे समाज अभी बताइए आप। इस बीच राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने सारे देश में चले साक्षरता अभियान का जायजा लिया, परिणाम संतोषप्रद थे। अभियान को आगे बढ़ाने, इसको एक नया मोड़ देने की जरूरत महसूस की गई। 1995 में इसने राष्ट्रीय स्तर पर सतत शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। लक्ष्य था साक्षर समाज से शिक्षित समाज की ओर बढ़ना। संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के बाद ये हमारा तीसरा चरण होगा। इसको अगर हम देखना चाहें तो जो हमारे अब तक नवसाक्षर बने हैं उनको हम बाकी जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए किस तरह और मजबूती से प्रस्तुत करें, ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही सतत शिक्षा की बात आती है कि जब साक्षरता का स्तर एक बेसिक लेवल पे आ जाता है तब आगे क्या। '97-'98 तक अनेक राज्यों के बहुत से जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो गई, और आज देश के 88 जिलों में ये चल भी रहा है। लेकिन प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दिल्ली में इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं हुई। सतत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर जिस ढांचे के गठन करने की सिफारिश की गई थी उस राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। बीच में थोड़ा सा सेटबैक आ गया था, कुछ ऑफिशियल्स हमारे जो हायर लेवल पे थे, जिम्मेदार थे, इसके पूरा देख रहे थे,
उनके बदल जाने से थोड़ा सा जल्दी जल्दी बदल जाने से थोड़ा सा दिक्कत पड़ रही थी। लेकिन अब हमने दोबारा अपनी दिल्ली सर्व शिक्षा अभियान समिति को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है अक्टूबर 99 में। अब हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फिर से दूसरा फेज इसका चला रहे हैं और अब हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्दी जो बैकलॉग है हमारा TLC और PLC का उसे पूरा करके और इसको कंटिन्यूइंग एजुकेशन को शुरू करेंगे। जाहिर है सरकार अभी संपूर्ण शिक्षा अभियान से ही बाहर नहीं निकल पाई है। क्या किया जा रहा है इस दिशा में? अभी हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए इस हफ्ता से ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट 50 लोगों को हम माइक्रो एंटरप्राइज में ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो माइक्रो एंटरप्राइज इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं लोग को स्मॉल छोटा छोटा उद्योग उनको सिखा सकते हैं, वो कमा सकते हैं और उस बेस्ड ऑन दोस स्किल्स हम किताब तैयार करना चाहते हैं सो दैट उनको इंटरेस्ट रहे, वो कंटिन्यूली पढ़ते रहें। सतत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में दिल्ली सरकार पिछड़ गई, लेकिन शहर के अनेक इलाकों में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं, निजी स्कूल और कुछ लोग इनको अपनी ओर से चला रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को खास तौर पर उनको शिक्षा से जोड़े रखना है जिन्होंने लिखने पढ़ने का कौशल हाल ही में सीखा है। साथ ही जो लोग अभी तक पढ़ना लिखना सीखने से वंचित रह गए हैं उनको साक्षर बनाना है ताकि एक साक्षर सजग और स्वावलंबी समाज की स्थापना की जा सके। और ये हासिल करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो नव साक्षरों की आय में बढ़ोतरी करने में सहायक हों, उनकी रुचियों के विकास के अवसर दें, उनकी रोजमर्रा की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में उनकी मदद कर सके तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ सके। अभी ये पेंटिंग अब जब हमने ये सीखा तो हमारे पेंटिंग एग्जीबिशन में लगे, उसमें हमारी पेंटिंग भी बिके, हमारे नो पेंटिंग बिके, हमने बनाया, हमारी और सहेलियों ने बनाए, हमें अच्छा लगा और ये सीख कर हमें तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में फर्स्ट प्राइज भी मिली और मुझे बहुत खुशी हुई जो हमें वो प्राइज मीनाक्षी शेषाद्री ने दिए और हमें देखने का सौभाग्य मिला कि हमने ये सीखा जब जाके हमने कंपटीशन में बैठा और हमें देखने का मौका ही मिला कि इतनी बड़ी फिल्म स्टार है कभी हमने देखा नहीं, हमारे किस्मत में था ही नहीं। इन केंद्रों में आने वाले लोगों में अधिकांश महिलाएं हैं। इनको ऐसे व्यवसायों के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिनको सीख कर वे अपनी और अपने परिवार की छोटी सी सीमित आमदनी में इजाफा कर सके। आमदनी में इजाफा करने के साथ साथ इनमें एक नया आत्मविश्वास भी पैदा हुआ है। ये तो है कि पढ़ने लिखने से जाते कहीं पे केमिस्ट की दुकान पे उस पे दवाई का नाम देख लेते हैं, हिंदी में जोड़ जोड़ के पढ़ लेते हैं, एक हिसाब देख लेते हैं कि कम पैसे दिए तो अपना वहाँ पे झगड़ा कर लेते हैं, हम तो झगड़ा करके वहाँ से अपना पैसे पूरे लेके आते हैं। अब तो कुछ तो हमें वो पढ़ी नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं था, अनपढ़ थे तो कुछ भी नहीं कर पाते थे हम तो। ना जाने कितनी प्रतिभाएं छिपी रहती हैं आम लोगों में, अवसर और मंच न मिलने के कारण ये अक्सर कुम्हला कर रह जाती हैं। सतत शिक्षा के ये केंद्र इन प्रतिभाओं को निखारने के अवसर देते हैं। दिल्ली में निरक्षरों का बड़ा भारी प्रतिशत उनका है जो दूसरे सूबों से आकर बसे हैं। ये अपने साथ अपने अपने प्रदेशों और क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराएं लाते हैं, समय समय पर उनका आयोजन किया जाता है। जहां एक ओर महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाती दिखती हैं,
वहीं विशेष तौर पर समाज के अभावग्रस्त हिस्से की महिलाएं अब भी पारिवारिक और सामाजिक उत्पीड़न एवं अत्याचार की चंगुल से बाहर नहीं आ पाई हैं। इन केंद्रों पर उनको सामाजिक कुरीतियों के बारे में समझाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सलाह और सहायता भी दी जाती है। उनको समग्र रूप से शक्ति संपन्न करने के लिए अनेक केंद्रों पर युवा महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सारे देश की तरह दिल्ली में भी ऐसी युवतियों की संख्या बहुत अधिक है जिनकी औपचारिक पढ़ाई किसी न किसी कारण बंद हो जाती है। सतत शिक्षा के एक उद्देश्य के रूप में इन केंद्रों पर उनको उन सुविधाओं को दिलाने के अवसर दिए जा रहे हैं जिससे वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम एक तो जब कंपार्टमेंट आ जाती है या फेल हो जाते हैं तो इनके संगी साथी सब आगे बढ़ जाते हैं, इनको दोबारा से स्कूल में उसी क्लास को पढ़ना और पास करना बड़ा मुश्किल महसूस होता है, शर्म महसूस होती है इन लोगों को। अब बीच में जो एक साल या दो साल का गैप पड़ गया है, अब दोबारा से ये कंडेंस कोर्स यहाँ पर हम लोगों ने जो शुरू किया है इसमें आके ये लोग 10th क्लियर कर सकते हैं। टेलीविजन और कंप्यूटरों का जाल और प्रभाव भले ही बढ़ता जा रहा हो पर इससे पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। साधारण खास तौर पर अभावग्रस्त नव साक्षरों के लिए ये किताबें एक नई और सार्थक दुनिया खोलती हैं, उनको राह दिखाती और शक्ति देती हैं। इन केंद्रों में स्थापित पुस्तकालय और वाचनालय उनको बेहद आकर्षित करते हैं। इन और ऐसी ही तमाम गतिविधियों के चलते ये केंद्र जीवन की मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित बस्तियों में रहने वाले हजारों स्त्रियों पुरुषों के लिए नई राह दिखाने वाले केंद्र बन गए हैं। यहाँ से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है, नई आशा जागी है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं किसी के बलबूते पे नहीं रहना चाहती। अपने आगे जाके अपने मैं एक अलग पेंटिंग की क्लास खोल सकती हूँ, मैं स्कूल भी पढ़ा सकती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, अगर हो सके तो फिर मैं और भी आगे काम कर सकती हूँ बढ़कर। सतत शिक्षा कार्यक्रम नव साक्षरों को शिक्षित करने की परिस्थितियां प्रदान करता है। दिल्ली के कुछ केंद्रों में उन लोगों को अक्षर ज्ञान भी कराया जा रहा है जो संपूर्ण साक्षरता अभियान में शामिल नहीं हो पाए थे। ये तमाम कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा प्रतिपादित योजनाओं के अनुसार ही चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनको कहाँ से प्राप्त होते हैं संसाधन, राज्य से सहायता एवं निर्देश के अभाव में कैसे चलते हैं ये केंद्र? अभी तक तो हम लोग अपने से ही जितना भी साधन इधर उधर से जुटा पाए उस तरीके से साक्षरता का कर रहे थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से हमें IPP8 यानी इंडिया पॉपुलेशन प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर्ड है वहाँ से हमें 2 साल के लिए ये प्रोजेक्ट मिला है और 2 साल के अंदर 5,000 महिलाएं हमें साक्षर करके देना है। हम वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो हम नसीरपुर विधानसभा में काम कर रहे हैं तो कोई हम NGOs के साथ नहीं है, हम अपने वॉलंटियरली अपने आप लोगों को मोटिवेट किया, टीचर्स को, वॉलंटियर्स को, कॉलेज स्टूडेंट को, तो हम अपने आप ही काम कर रहे हैं। तो अगर NGO होते तो हमें भी कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलती, लेकिन हम लोगों को कोई भी एक पैसे की सरकार की तरफ से स्टेशनरी को छोड़ के कोई मदद ऐसी नहीं मिली है कि हमें फाइनेंशियली किसी वॉलंटियर को मदद कर सके, या कोई अगर हमें बल्ब भी लाना है तो भी अपने पैसे से लाना है, दरी लानी है तो भी अपने पैसे से लानी है। तो ऐसी चीज़ें हम अपने आप ही समुदाय में लोगों से इकट्ठा करके एज ए डोनेशन हम लोगों से कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों को चलाने के लिए सिर्फ आर्थिक संसाधनों की नहीं कुछ अन्य चीजों की भी अपेक्षा होती है। अगर सरकार थोड़ा सा पॉजिटिव रूप से एक थोड़ा सा सपोर्ट करें इकोनॉमिक रूप से भी, और उनसे हम ऐसे भी उम्मीद करते हैं कि वो अगर थोड़ा सा मॉरली भी सपोर्ट करें ना हमें NGOs को, मॉरली भी उनको अगर सपोर्ट करें, उनको रिसोर्स तो दे देता है, रिसोर्स फिर अपने भी कम्युनिटी से ढूंढते हैं, लेकिन जब मॉरली अगर भी सपोर्ट हो तो NGO आगे बढ़ सकता है। हम उनसे सिर्फ इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं बल्कि मॉरली सपोर्ट भी मांगते हैं। साक्षरता अभियान के पहले 2 चरणों की तरह
सतत शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पठन पाठन सामग्री तैयार करने तथा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में राज्य संसाधन केंद्र एक अहम भूमिका अदा करता रहा है। क्या कर रहा है ये केंद्र सतत शिक्षा के क्षेत्र में? सारसी का जो मुख्य काम है, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि सामग्री, पठन पाठन सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करना है, और ये बेसिक लिटरेसी जैसे प्राइमर्स, प्रवेशिका तैयार करना, उसके अलावा पोस्ट लिटरेसी, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ट्रेनिंग मटेरियल, हर तरह का मटेरियल तैयार करना है। ये केवल ये नहीं है कि ये प्रिंटेड मटेरियल, बल्कि आप ऑडियो विजुअल और हर तरह का सामग्री हम लोग तैयार करते हैं। फिर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो है हम लोगों का, वैसे SRCS का जो खास है कि ट्रेनिंग ये हायर लेवल फंक्शनरी जैसे की रिसोर्स पर्सन्स या ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हम लोग करते हैं। लेकिन दिल्ली में एक हमें फ़ायदा है कि हम लोग पास बहुत ज़्यादा तो बड़ी स्टेट नहीं है, इसलिए हम लोग जहाँ भी ज़रूरत होती है, अगर कोई कहता है कि हमारे पास वॉलेंटियर्स हैं और हमारे पास समय होता है, तो हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। दूसरा ये कि हम लोग थोड़ा थोड़ा रिसर्च भी करते रहते हैं, जैसे जो भी उससे काम से संबंधित है रिसर्च, अगर हमने कोई किताब तैयार की है या कोई ट्रेनिंग की है, तो उसका फीडबैक लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरत, मतलब एक तरह से रिसर्च ही है। या अभी जैसे हम शुरू कर रहे हैं कि सोशल मैथमेटिक्स हमारी क्या होनी चाहिए, उसके अलावा इवेल्युएशन का एक काम, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले इवेल्युएशन नहीं होता था, लेकिन अब इवेल्युएशन भी बहुत ज़रूरी, नेशनल लिटरेसी मिशन, क्योंकि ये जनता का पैसा है और हमें ये जानना चाहिए कि वो कैसे इस्तेमाल हुआ, हुए भी लोग साक्षर हैं नहीं, और जनता भी सवाल पूछती है कि भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है तो क्यों, तो हम लोग उसका इवेल्युएशन भी किया जाता है, नेशनल लिटरेसी मिशन करता है। सतत शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने कुछ निर्देश दिए थे। इनके अंतर्गत प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों को भागीदार बनाया जाना चाहिए। इस दिशा में क्या किया जा रहा है दिल्ली में? हाँ, जहाँ तक हमारा संबंध है, हम अब ये जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, सतत शिक्षा कार्यक्रम, और इसके जो सेंटर्स खोलेंगे, इसमें हम उनका पूरा सहयोग लेंगे। बल्कि यूँ कहिए कि सारा जो व्यय करने का काम है, सारा एक्सपेंडिचर का, ऑर्गेनाइजेशन का, अपॉइंटमेंट्स का, प्रेरक के और असिस्टेंट प्रेरक के, और उसका जगह का जो स्थान देंगे वो हमें खोलने के लिए, इन सब में उनका पूरा पूरा सहयोग लिया जाएगा। जैसे महिला मंडल हैं और भी दूसरे युवक केंद्र हैं और जो दूसरी सोसाइटीज़ और NGOs हैं, उनका हम पूरा सहयोग लेंगे। योजनाएं तो बनती रही हैं, लेकिन इस ओर ठोस कदम क्या उठाए गए हैं? ठोस कदम का जहां तक ये है, बहुत से तो हमारे वॉलंटियर्स जो बहुत डेडिकेटेड वॉलंटियर्स थे, वो तो अभी भी PLC का कार्यक्रम चला रहे थे। 112 सेंटर हमारे अभी चल रहे हैं हम लोग देख रेख में, लेकिन अब हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसकी प्लानिंग करके और नए मार्गदर्शन जो हमें मिला है NLM से दिसंबर के महीने में, उसके आधार पर हम पूरी योजना तैयार कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट उसके लिए विद इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में सबमिट हो जाएगा, जिसमें हमने 400 सेंटर्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर्स बनाने का विचार किया है दिल्ली के लिए शुरुआत के तौर पर। वैसे तो हमें यहाँ काफी आवश्यकता है सेंटर्स की। इस बीच दिल्ली के 3 बड़े पब्लिक स्कूलों, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल और टैगोर इंटरनेशनल को 50-50 केंद्र खोलने की स्वीकृति और धनराशि दे दी गई है। हमें गवर्नमेंट से कुछ एड मिली है, हेल्प मिली है, हम प्रोजेक्ट लेके गए थे, उन्होंने कहा कंटिन्यू एजुकेशन रखिए, तो हम इन्हीं दोनों स्लम्स में नोडल सेंटर्स खोले हैं हमने। इस वक्त हमारे 50 नोडल सेंटर्स नवजीवन कैंप गोविंदपुरी में चल रहे हैं, आप जब चाहें जाके देख भी सकते हैं। हमने इन्हीं न्यू लिटरेट जो लेडीज़ हैं, इन्हीं में से नोडल सेंटर के इंचार्ज बना दिए हैं। उनका घर एक सेंटर बन जाता है, वहाँ पर वो लिटरेट करती हैं, वहीं पर वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी देती हैं। शिक्षा की इन व्यवसायिक संस्थाओं को ये कार्यक्रम चलाने के लिए जो पैसा मुहैया किया जा रहा है, उससे ये प्रश्न सहज ही उठ खड़ा होता है, क्या सतत शिक्षा कार्यक्रम को भी अब निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक स्कूल्स आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये तीनों स्कूल है डेडिकेटेड, अच्छे काम करने वाले हैं, वो काम करेंगे। हम स्कूलों से करना ही पड़ेगा, स्कूलों का सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कम्युनिटी सपोर्ट करना चाहिए। हमारी कोशिशें जारी हैं। मैं समझता हूं कि अभियान का जो एक फेज था वो तो अब समाप्त हो गया है। यहाँ पर भी मैं दिल्ली शासन को यही उपदेश दूंगा कि जल्द से जल्द ये सतत शिक्षा के केंद्र खोल लें और ये कार्यक्रम को केंद्र के माध्यम से चलाएं, बजाय कि वो अभियान के उस ढांचे में रह जाएं। आशा की जाती थी कि देश की विशाल और बढ़ती जा रही निरक्षर आबादी को साक्षर बनाने की दिशा में दिल्ली एक आदर्श प्रस्तुत करेगी, लेकिन अभी तो साक्षरता अभियान के लक्ष्य तक पूरे नहीं हुए हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के मामले में एक लंबे अंतराल के बाद भी कोई कारगर पहल नहीं हुई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रोजेक्ट्स तक नहीं भेजे गए हैं। ऐसे में कार्यक्रमों को कब लागू किया जाएगा और कब इनके परिणाम आने शुरू होंगे, इनका उत्तर अधर में ही लटका लगता है।